And now request Raveena ji to talk to us about folic acid prevention and so on. आप सबका यहाँ स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाल के इस फंक्शन को बढ़ावा दिया है, इस कोर्स को बढ़ावा दिया है. मैं स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन के साथ करीबन कितने सालों से जुड़ी हूँ, अभी 5 साल हो गए हैं मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ. और मैंने देखा है किस तरीके का काम इन्होंने किया है. साथ साथ काफ़ी इस मंच पर बैठे हुए हैं डॉक्टर करमाकर हैं और डॉक्टर किरण कोयलो हैं, हमारे साथ सुमन हैं, उनके पिताजी हैं. इन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि इन लोगों की वजह से बहुत बहुत फर्क पड़ा है, स्पेशली हिंदुस्तान में. मैं दूसरों की तो बात नहीं करूँगी लेकिन मैं अपनी बात करूँगी. आई थिंक आई वॉज वन ऑफ दोज फ्यू लकी वंस. जब मेरी शादी हुई, सीधे विवाह के बाद ये हुआ कि ठीक है, अब सब सोचते हैं कि चलो अब परिवार शुरू करने का समय हो गया है, कर लेते हैं, लेट्स गो अहेड. लेकिन उसके पहले कितने हैं, कितनी माएँ हैं या कितने कपल्स हैं, कितने ऐसे दंपति हैं जो सोचते हैं कि हम परिवार शुरू करने से पहले हमने अपने स्वास्थ्य को चेक किया है कि नहीं. स्पेशली हम लड़कियाँ एंड स्पेशली हम हीरोइंस तो वी कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ एक्सट्रीम डाइटिंग करती हैं, समय का कुछ इराटिक आवर्स ऑफ वर्क हैं, ऊंच नीच है, कहीं कहाँ शूटिंग कर रहे हैं, कहाँ शूटिंग कर रहे हैं, तो हम कभी कभी अपना ख्याल नहीं रखते हैं. तो मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि अगर मैं एक मदर बनने वाली हूँ तो आगे अभी से मुझे क्या करना है. सो फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट टेकिंग केयर फ्रॉम द बिगिनिंग. आई बिकेम प्रेगनेंट इन जून, लेकिन उसके पहले मैंने इंटरनेट पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बैठ के बात की कि मुझे क्या शुरू करना चाहिए. और पहली चीज़ मुझे बोली गई कि एटलीस्ट 4-5 महीने पहले जो मैंने शुरू की वो 2-3 चीज़ें थी और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट थी फोलिक एसिड. और वो फोलिक एसिड की गोलियां मैंने स्टार्ट की, जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक बहुत सिंपल सल्यूशन है, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है जो अंत में आता है वो इतना बड़ा है. और उसको प्रिवेंट करने के लिए एक छोटी सी सिंपल सी गोली है जो जितने कितने लोग हैं जो नहीं जानते हैं या अवेयर नहीं है. तो मोस्टली जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ हमारे देश में ये है कि चलो शहरों में भी ऐसे किस्से होते हैं लेकिन गांव-गांव में अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो बहुत ही ज़रूरी है. स्पेशली जो माएँ गर्भवती होने वाली हैं या वो प्लान कर रही हैं उनको लिए बहुत बहुत ज़रूरी है इस बात का. स्पेशली अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे जानकारी लें कि मुझे क्या क्या शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक नया जीव बन रहा है, आप उसको बना रहे हो. आपके बॉडी में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो जीव ले लेता है, आपके विटामिंस, कैल्शियम, फोलिक एसिड. एंड जैसे कि आज हमने सुमन को देखा, ये तो हमारी एक बहुत ब्रेव लड़की है, हमारे बहुत ब्रेव पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस चैलेंज को उठाया और बोला हाँ तभी भी शी विल लीड एन एब्सोल्यूट नॉर्मल लाइफ. एंड वी आर सो प्राउड दैट शी इज अ जर्नलिस्ट टुडे. सो प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुमन. इट्स वेरी इंकरेजिंग कि ऐसी भी कहानियां आती हैं, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज शायद नहीं मिलते हैं, जो गांव-गांव में हैं, जिनको पता नहीं होता कि अब इसके बाद क्या करें. मेन चीज ये है, जो फसाद की जड़ है जिसे हम कह सकते हैं, वो है फोलिक एसिड. एक सिंपल गोली से जिंदगी आसान हो जाती है, जैसे कि गो फोलिक कैंपेन का नाम है. लेकिन जैसे कि डॉक्टर करमाकर ने कहा कि हमारा थियोरी है, यू विल से दैट स्लोगन लाइन अगेन, ईट वेल, ईट, आई वुड ऐड टू इट, आई वुड से ईट फोलिक एसिड एंड लेट लिव. तो उसके लिए बहुत जरूरी, आई वुड ऐड ऑन दैट, दैट्स आई वांटेड यू टू से इट फर्स्ट बिकॉज़ आई वांटेड टू ऐड ऑन दैट. तो ये जहाँ से मैं, जैसे कि मैंने शुरू किया कि आई वॉज वन ऑफ दोज फ्यू लकी वंस हु आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ इन द बिगिनिंग, आई प्रिपेयर्ड फॉर माई प्रेगनेंसीज एंड टच विद गॉड हैज बीन काइंड टू मी, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी. सो आई रिक्वेस्ट यू एज पीपल ऑफ द मीडिया, आई नो दिस माइट बी अ वेरी बोरिंग इवेंट फॉर यू ऑल, दैट देर इज नो नाच गाना एंड देर इज नो स्टार्स थ्रोइंग कॉन्ट्रोवर्सीज एंड देर इज नथिंग, बट प्लीज रियलाइज दैट यू ऑल आर द मीडियम, यू आर द मीडियम के आपसे जानकारी फैल सकती है. तो खाली ये प्लीज पेपर में मत लिख दीजिएगा रवीना एक इवेंट पे आई थी, थोड़ा इवेंट के बारे में लिखिएगा कि क्यों मैं इवेंट पे आई थी. और आप अगर ये स्पेशली यू गर्ल्स, यू आर मेंबर्स ऑफ द मीडिया ऑफ द प्रेस, द गाइज ओवर हियर, डू इट नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ, डू इट फॉर पीपल, डू इट फॉर द कंट्री, डू इट फॉर चिल्ड्रन,
who will be born ahead and will lead a normal, healthy life. So I request the members of the media, please encourage us with this initiative and spread this good word. Thank you very much. Thank you, Renhold. Government of Maharashtra will join us for the central government, not directly yet, but they will be. The WHO office in Delhi is completely involved. And as far as health is concerned in Delhi, everything goes via WHO, a lot of these initiatives. So I think we are quite connected with the right sort of people. And we hope to engage them more actively in the coming months. The care and treatment part, rehabilitation for patients. Yes, in our country we have to focus on both, because we already have so many children who are already born with this defect. You know, it's not enough to just prevent it. I mean, prevention is the main focus, but also as much as possible we will help rehabilitation and treatment. I mean, pre-counseling, pre-checkups is something we would actively do. One important thing we can do in cities and semi-cities is have a big campaign on the internet. Use electronic media for proposition of this. Welcome. Pediatricians who will actively be supporting this cause, Dr. Nandita Palshetkar and Dr. इस संस्था के साथ मैं पिछले 5 साल के साथ जुड़ी हुई हूँ और जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना, इन लोग भी काफ़ी काम कर चुके हैं, नॉट ओनली फॉर प्रिवेंशन लेकिन उसका जो क्योर भी है. लेकिन ऑलवेज जैसे कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि वंस द हार्म इज़ डन तो बहुत मुश्किल होता है पूरा प्रोसेस रिवर्स करना. स्पाइना बाइफिडा एक ऐसी, आप अगर इंटरनेट पे भी चेक करेंगे, एक ऐसी बीमारी है जो एक बार बच्चे के अंदर आ जाए तो पूरा सिस्टम बिगाड़ देती है और मोस्टली लिम्स को भी अफेक्ट करता है बिसाइड्स अदर ऑर्गन्स. तो ये एक चीज़ है जो हम माएँ स्पेशली बिफोर प्रेगनेंसी केयर जिसे कहते हैं, प्री नेटल केयर जिसे कहते हैं, अगर थोड़ा उस पर ध्यान दें और हम ये मैसेज आगे बढ़ाएं तो काफ़ी बच्चे स्वस्थ पैदा हो सकते हैं और ये इंसिडेंट्स बहुत कम हो जाएंगे. आई थिंक मेन प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है, चाहे गांव-गांव में. काफ़ी औरतें प्लान नहीं करती हैं या सडनली प्रेग्नेंट हो जाती हैं या सोचती नहीं है कि चलिए हम थोड़ा प्लान्ड रखेंगे इसको. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि अल्टीमेटली जो अगर आप हेल्दी होंगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी होगा. गर्भ में ही उसको वो इम्पॉर्टेंट वाइटमिन्स और मिनरल्स और फोलिक एसिड मिलेंगे जो उसके शरीर को तंदुरुस्त रखेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक छोटी सी गोली है, बहुत सस्ती सी भी गोली है, ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत ही महंगी ये महंगा उपाय है. तो मेरी एडवाइस यही होगी, जितनी औरतें जो भी प्लान कर रही हैं आगे प्रेगनेंसी, प्लीज़ ज़रा अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे जानकारी लें और एक सही ढंग से आगे कदम बढ़ाएँ. मैं ऐसे होती जा रही थी. देखिए, मैं जो ये डॉक्टर्स की पूरी संस्था है, ये जो संस्था है ये डॉक्टर्स ने ही शुरू किया है. इनके हेड हैं डॉक्टर संतोष करमारकर, जो मेरे गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नानावती, वो भी इनसे जुड़े हुए हैं और बल्कि आज हैं यहाँ पे. जब डॉक्टर करमारकर आए मुझसे मिलने तो हाँ, मुझे इतनी जानकारी ज़रूर थी कि फोलिक एसिड क्या कर सकता है और फोलिक एसिड खाने से क्या हम किस तरीके का बचाव कर सकते हैं. लेकिन जब उन्होंने मुझे किस्से दिखाए और जब मैं काफ़ी पेशेंट से मिली, जो पिछला इनका फंक्शन हुआ था उसमें काफ़ी पेशेंट्स भी आए थे और कुछ मेरे घर भी आए थे मिलने, काफ़ी ऐसे पेरेंट्स थे जो आए थे, काफ़ी ऐसी माएँ थीं जिन्होंने कहा कि आज हम अपने बच्चों को सफ़र करता हुआ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी गलती कि हमने बस फोलिक एसिड की गोली नहीं खाई और उसकी वजह से हमारे बच्चों का ये हाल है. तो जैसे कि डॉक्टर तोता जो आए हैं औरंगाबाद से, वो भी कह रहे थे कि काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो चल नहीं सकते हैं लेकिन वो लिटरली रेंगते हुए आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि
बहुत बेसिक चीज़ जैसे कि व्हीलचेयर, गाँव में व्हीलचेयर्स भी अवेलेबल नहीं है इन पेशेंट्स के लिए, तो ये बहुत दिल को हिला जाने वाली बातें हैं। एंड आई थिंक अगर हम सब, मैं खुद अपने बारे में नहीं कहती हूँ, मैं मीडिया से भी कहती हूँ कि आप मेन माध्यम हैं, जहाँ आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप ये गाँव-गाँव में बात फैलाएँ कि फोलिक एसिड ज़रूरी है बच्चों के लिए, आप अगर गर्भवती होने वाली हैं तो पहले से ही शुरू कर दीजिए, अगर नहीं शुरू किया है तो अभी भी तुरंत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे और आपके लिए स्वास्थ्य की बात है। सिंपल सी बात है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।